सबसे पहले भी आपको बुलाया था सोनल मंत्री जी से, सोनल सक्सेना जी से। जी हाँ, और इनका जो आर्ट वर्क है इसमें कुछ अलग है। अलग इसलिए मैं कहूँगी कि ये इंडियन फोक आर्ट भी करती हूँ मैं, जो मुझे बहुत ही पर्सनली इंडियन फोक आर्ट की फैन हूँ मैं। तो आज मैं आपको मिलाऊंगी विवेक हसन से। नमस्ते, मैं विवेक मंत्री, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई वाइफ सोनल सक्सेना। शी इज एन एमिनेंट आर्टिस्ट एंड अ हॉबीस्ट, बट नाउ शी इज डूइंग टू गुड इन आर्ट्स अलोंग विद हर करियर व्हाटएवर शी इज नाउ डूइंग। सर, मतलब होता है ना कि एक वाइफ के लिए ना एक हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मैटर कर जाता है उसके पैशन के लिए, बिकॉज आफ्टर मैरिज बहुत जन ऐसे होते हैं कि अपना पैशन छोड़ देते हैं, घर में लग जाते हैं। तो आपने आप अपनी वाइफ को कैसे मोटिवेट करते हैं आर्ट के लिए? My perspective about art is like whatever you do in your life is art, right? From आप चम्मच से खाना खाते हो, काटे चम्मच से खाना खाते हो, that is also an art. And exhibiting these posters and paintings is also an art. Even tying the shoelaces is also an art. So what matters is how you see and what is your perspective. Now when it comes to supporting the wife, I don't think so that husband and wife are separate. As per our Indian culture, it's always like and now in combined form. So when I'm supporting her, I'm also supporting myself. When she's supporting me, she's supporting herself. So ऐसा कभी हमने अंदर में तक देखा ही नहीं कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ या उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। It's always a situation where we are helping each other because our mutual evaluation also happens. That's great, sir. और ये चीज़ मेरे ख्याल से हर हस्बैंड को इंस्पिरेशन देनी चाहिए कि हाँ, उनकी वाइफ का जो पैशन है उसे आगे बढ़ाना चाहिए एंड इट इज़ नीडेड। तो सर, आपको हमारे साथ जुड़ कैसा लगा? आपके साथ जुड़ के मैं एक बार कह सकता हूँ कि अंजलि अरोड़ा, ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, बट शी इज ऑल्सो अ फ्रेंड हु कैन हेल्प यू टू सेल थ्रू द रफ वाटर्स व्हेन इट कम्स टू द ओशियंस ऑफ सच गैलरीज। उनका नेचर अच्छा है, द वे शी कोऑर्डिनेट्स विद द थिंग्स इज अमेजिंग एंड शी हैज अ गुड ब्लेंड ऑफ आर्ट। शी नोज वॉट शी स्पीक्स। बहुत से क्यूरेटर से मिला हूँ मैं, बहुत से आर्ट प्रोफेशनल से मिला हूँ, बट शी इज नॉट अ क्यूरेटर, शी इज लाइक एन आई वुड से एन पर्सन हु नोज आर्ट। तो उसको आर्ट क्यूरेटर कहना अलग होगा। तो आई वुड से विद यू द एक्सपीरियंस वॉज ऑसम, यू नो वॉट इज आर्ट एंड यू नो वॉट यू स्पीक, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही जहाँ पे बहुत सारी चीजें आजकल इंडेंजर हो रही है, आर्ट्स आर डाइंग, स्पेशली इफ यू सी दिस असम इज आर्ट। तो ये हार्डली अब दो या तीन ही फैमिलीज कर पाते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम लोग आर्ट कहते हैं तो लोगों को लगता है वाह, बट देयर आर मेनी अदर आर्ट फॉर्म्स विच शिवाजी महाराज हैड ऑलरेडी ब्रॉट। तो ऐसे आर्ट फॉर्म्स को आगे लाना ये मेरे वाइफ का मिशन है, वेयर आई एम हेल्पिंग हर एंड फॉर दैट, फॉर दोज आर्ट फॉर्म्स शी हैज ऑलरेडी गॉट मल्टीपल अवार्ड्स, ऑल्सो शी इज रिकग्नाइज एंड ऐसा गिनीज बुक पार्टिसिपेट, बट इट इज ऑल हर डेडिकेशन टुवर्ड्स द आर्ट विच इज हेल्पिंग हर। हम लोग का सिर्फ निमित्त मात्र बने हुए हैं। Her dedication is awesome and for that I always salute her. Hats off to her dedication and hats off to Anjali madam for arranging this exhibition. Sir, we promised Sonal ji, main aap hai, main aap gawah hai, we promised her ki yes, whatever art form she wants to get it promoted and she wants to make, we are here for the promotion and we will try our best that this artwork should reach in everyone's house, because I have heard something that Indian folk art must be bought by everyone. Actually, we believe in you and believe in your work. Thank you so much. Thank you. And such, my friends, ye jo hamari bhartiya